मैंने हमारे डायरेक्टर सुभाष कपूर को ये मैसेज भेजा, इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अवर कंट्री टू अचीव कमर्शियल एज वेल एज क्रिटिकल सक्सेस, कुडोस टू यू, कांग्रेट्स एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिस तरह से किया है सुभाष और उनकी टीम फॉक्स स्टार, ऐसे ही अच्छी फिल्म बनाते रहे। आते हैं फिल्में हमारे यहाँ चल जाती हैं, बहुत सक्सेस हो जाती है, 300 करोड़ का, 400 करोड़ का, लेकिन कहीं ना कहीं मास के चक्कर में क्लास निकल जाती है। लेकिन जॉली एलएलबी 2 और विकी डोनर जैसी जब कोई घटनाएं होती हैं तो ऐसा होता है कि मास भी जुड़ जाता है, क्लास भी जुड़ जाता है, तब कल्ट फिल्म बनती है, तब क्लासिक फिल्म बनती है। आप जॉली एलएलबी 2 या विकी डोनर जैसी फिल्मों को 50 साल बाद भी देखेंगे तो वो उतनी ही फ्रेश रहेंगी, इतनी मेहनत की गई है, इतना अच्छे विजन के साथ। सो कंग्रेचुलेशन टू सुभाष कपूर। तो सर आप यूं ही हमें इंस्पायर करते रहे सालों साल तक, और हर साल के दिन हो 50,000। अब वक्त आ गया है कि बर्थडे का केक यहाँ पर शानदार आपके हाथों से हम कट करें एंड सेलिब्रेट करें आपका जन्मदिन एक बार। सब आ जाइए, ऑफिस के जितने भी लोग हैं जरा आ जाइए यहाँ पर, अनु सर का बर्थडे केक यहाँ पर हम कट करने जा रहे हैं। हाँ, मैं अतुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बुके देकर आप विश करें। गाना तो नहीं, बट मैं अनु जी के लिए कुछ जरूर कहना चाहूंगी। गाना तो सुनते हैं, मतलब हम लोग गाते रहते हैं। मुझे लगता है कि हमने अनु जी को एक अच्छे, एक सशक्त अभिनेता के तौर पे देखा है। शो पर आप सुनेंगे 20 तारीख को कि हमने कैसे उनको एक पिता, एक हस्बैंड के तौर पे देखा है। पर मुझे ये लगता है कि सुहाना सफर में अनु कपूर को अगर हम एक बच्चा माने तो अनु कपूर को हमने माँ के तौर पे देखा है। अगर बिग एफ एम सुहाना सफर में अनु कपूर के पापा है तो अनु जी ने उस बच्चे को सुहाना सफर में अनु कपूर को पिछले 3 सालों में, अभी तो 1000 ही एपिसोड्स हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी और लाखों ऐसे एपिसोड्स होने वाले हैं, एक माँ की तरह सींचा है और उसको इतना प्यार दिया है कि शायद जिस बच्चे को इतना प्यार मिलता है वही बाहर जाकर इतना सक्सेसफुल हो पाता है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड अभी सिर्फ 1000 एपिसोड्स हुए हैं और देश का नंबर वन शो तो है ही, बहुत जल्दी ये हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया का नंबर वन रेडियो शो बन जाए। बहुत रिसेंटली हमने दुबई, हाँ, मिडल ईस्ट में भी शो शुरू किया है। एंड अनु जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इस शो के लिए एक माँ से कोई कम नहीं है। थैंक यू। ये जो आपने कहा, ये जो सेगमेंट अभी आएगा, ये कहानी, ये जो गाना है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो, है ना, ये असल में गालिब का एक शेर है। पहले गाना नहीं था, गालिब का एक शेर है कि तुम जियो हजारों बरस, हर बरस के हो दिन 50 बरस, इस तरह का शेर है। और ये बरसों पहले, यानी कि आप समझ लो 62 या 61 या उससे भी पहले में भी, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो सोहराब मोदी वहां गए और उनकी टीम ने गालिब शेर उनकी शान में पढ़ा। ये तो बर्थडे का शेर है कि तुम जियो हजार बरस, हर बरस के दिन हो 50 बरस, ऐसे। सो नेहरू जी ने कहा कि ये तो गालिब का कितना अच्छा शेर है। यहां से बात निकली और सोहराब जी, मोदी साहब, आप गालिब के ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनाते। यहां से गालिब के ऊपर ख्याल आया तो सौरभ मोदी ने मिर्जा गालिब करके फिल्म बनाई, जो लेजेंडरी फिल्म मानी जाती है। सुरैया ने उसमें रोल किया, आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर हैं। और इसी चीज से मुतासिर होकर फिर मजरू सुल्तानपुरी ने यह गाना लिखा, तुम जियो हजारों साल, जिसे आशा भोसले ने गाया। ये कहानी है।